वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ जी दोपहर का टाइम है और मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी ड्रिंक, स्ट्रॉबेरी जूस बना रही हूँ। अब गर्मी आ गई है तो बहुत ज़्यादा दिल करता है कि ठंडी ठंडी जो है ना ड्रिंक्स पी जाए, लस्सी पी जाए या शेक्स या जूस बना कर पिया जाए। तो मैं तो यहाँ पर फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस बना रही हूँ और इतना रिफ़्रेशिंग और मज़े का था। और हम लोगों ने तो अब ना ठंडा पानी पीना भी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। पी के चेक करूं बताऊं कैसा है? पी के देखो कैसा है? मजेदार रमजान वाली फीलिंग आ रही है। बिलाल से पूछो रमजान के लिए कितना अच्छा जूस है ना। इस दफा हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्रेश ड्रिंक्स ही पिए, फ्रेश जूस। बिलो पी के देखो, रिव्यू दो। ये वो बंदा है जो हमारे जानने के बाद हमारी कैट्स को संभालता है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मजे के, बहुत सारे लोग कह रहे थे अपनी कैट्स को अकेला छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, ये भाई मेरा होता है और मामा होती हैं। हम तो उनको एक सेकंड के लिए अकेला नहीं छोड़ते और ये भी एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ता उनको अकेला। अब मैं पी कर देखती हूँ। कितना मजे का लग रहा है ना ये ड्रिंक। आप चाहें तो इसमें मिंट भी ऐड कर सकते हैं। बहुत रिफ्रेशिंग और बड़ा मजे का। ये देखो बच्चों का खाना ऊपर, माशाल्लाह इतना सारा खाना। आज जैनी के दो और बच्चे चले गए हैं बेचारे। वो जिसको दिए वो बड़ा प्यार से रखा हुआ है लेकिन बेचारे ना स्ट्रेस में तो होंगे, जाहिर है स्ट्रेस में रहेंगे। हमारी मजबूरी है ना। हमें ना इतनी तकलीफ हो रही थी कि बिलाल भी कह रहा था कि भाईजान ये तो इनको तो बड़ी तकलीफ होगी, पर अब क्या कर सकते हैं, हम भी मजबूर हैं। ये बहुत बड़े बड़े डॉग्स बन जाएंगे ना। वो तुम्हारे घर कैट्स हैं तो हम तो रख ही नहीं सकते हैं। कैट्स ना भी होती तो इतने सारे डॉग्स तो घर में नहीं रखे जा सकते ना। नहीं रखे, वो छोटे छोटे हैं तो इतना गंद डालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह नूर बड़ी हो गई है। ओ ओ शेक के लिए भागी आ रही है। आ जाए आप ऊपर। फुजैल रात के 2 बजे स्ट्रॉबेरी शेक बना के ले आए हैं, बहुत मज़े का बना है। बताए बगैर। हाँ ऊपर देखो कैसे तह जमे हुई है, दिखाओ। बड़ा मज़े का है। कहाँ गई नूर? स्ट्रॉबेरी क्या कमाल की चीज़ है ना। और अब है ये जी नेक्स्ट डे की दोपहर का टाइम है और मैं आज बना रही हूँ बीफ पुलाव। तो आज का व्लॉग्स इसलिए लेट हो रहे हैं क्योंकि आपको पता है मैं रिसेंटली वापस आई हूँ और रमज़ान आ रहा है तो घर की डीप क्लीनिंग्स चल रही हैं, रमज़ान की तैयारी चल रही है, इसीलिए बहुत मुश्किल टाइम हो रहा है। मुझे ये पता था कि रात को पकाओगी मगर इसके टाइम नहीं, मैंने बहुत बच्ची आज जी मिस ब्रॉनी की भी तबीयत खराब। अभी हमने मिस ब्रॉनी को सिरप पिलाया। बिरयानी आप इसको देख के माशाल्लाह लाजमी पड़ा करें, लगता है इसको नज़र लग गई हमारी बिरयानी को। ब्रॉनी आज ना बीमार हो गई है। ब्रॉनी को भी सिरप पिलाया, इंशाल्लाह ब्रानी ठीक हो जाएगी।
फूल जैसी बिरयानी, प्यारी प्यारी बिरयानी, मोटी ताज़ी बिरयानी। अच्छा इसको बिरयानी बोलो ना तो ये फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करती है। इसको ना हम ख़ुद बार बार व्लॉग में लेके आते हैं क्योंकि हमें प्यार ही सीखना है और हमारे साथ ही रहती है, हमारी लाडली भी बहुत है। वो देखें बाहर दरवाज़ा ओपन है और बिरयानी का कोई इंटरेस्ट नहीं है बाहर जाने में, बिरयानी उस दरवाज़े के पास भी नहीं जाती, इसलिए बिरयानी हमारे साथ रहती है सारा दिन। ब्रॉनी ब्रॉनी छोटी ब्रॉनी भी बहुत प्यारी होगी, वो भी हम आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर तक, वो भी हसीन और जमील हुई हुई है। आजकल मैं अपने बच्चों को नहला देना है तो आपको वो आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करेंगे हम बच्चों की। पुलाव बन चुका है और बहुत बहुत मज़े का बना था, हालांकि फ़ुज़ैल का पेट बिल्कुल भरा हुआ था लेकिन फ़ुज़ैल ने फिर भी अच्छा खासा खाया, इतना टेस्टी था। और हमें इसी तरह से अच्छा लगता है कि बहुत जूसी जूसी सा, और बीफ पुलाव ख़ास तौर पे ज़्यादा ऑयल वाला मज़े का लगता है ना। यकीन माने इतने मज़ेदार चावल, ज़रा तुम पहला स्पून लो और अपने रिव्यूज़ देना। अब करो दो जी रिव्यू अपना। ज़बरदस्त राइस, ऊंचा बोलो। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत मज़े की, यम्मी जूसी है, स्पाइसी है ना। इतने स्पाइसी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बोटी बहुत टेंडर है, राइस बड़े जूसी से हैं, बहुत ज़्यादा मज़े का पुलाव है। रमज़ान में इसकी रेसिपी देना। ये जी मैं मिक निकाल रहा हूँ, इस मिक का भी ना अपना ही मज़ा है। पापा आए हैं, पापा आपके, आ जाओ आ जाओ, पापा आए हैं, ओ पापा, ओ पापा आए हैं तेरे। आ जा ओए, आ जा पापा, वो देखो अपने पापा से प्यार ले रहा है, ये देख छोटा। ओ इसको अपनी मम्मा ने बना ले, बुलाओ कब तुम्ही, वो ऊपर चला गया छोटा। ओए ये क्या कर रहे हो, आ जाए। ओ पापा है तेरा, राज ये जी सब बच्चों के पापा आए हैं। मफिन लॉइन आया, मफिन डॉन डॉन, इसको हम मफू डॉन भी कहते हैं और इसके तरह तरह के हमने नाम रखे हैं, मफू डॉन और कौन सा डॉन, प्यार करो कैमरे को, और इसको कहते हैं हम कूड़े वाला जो तुम्हारी अम्मी ने नाम रखा था इसका है, और कैमरे से प्यार लिए जा रहा है यार कैमरे जी। मफूराज क्या कह रहे हैं, मफूराज सबका पापा, बड़े पापा हैं ये, सबसे बड़े हैं माशाल्लाह। आप इसको देख के माशाल्लाह लाजमी बड़े हैं, मम्मा की जान, ये तो सबकी जान है। अगर इसका भाई इवा होता वो भी इतना ही खूबसूरत होता माशाल्लाह से, है ना, वो सेम इसकी कॉपी थी बिल्कुल 19-20 का फर्क। मफू मफू आपको इवा याद आता है, इवा याद आता है आपको, बिल्कुल हमारा इवा ना हमें छोड़ के चला गया, बिल्कुल मफिन जैसा था, काश वो ज़िंदा होता, वो तो इससे भी बड़ा होता, वो तो माशाल्लाह
बचपन में ही ना काफ़ी हेल्दी और बड़े साइज़ का था। मफिन मोटा था, उसकी फिजीक मोटी थी, उसकी हड्डी मोटी थी, चौड़ी थी। हाँ, उसके जिस तरह चौड़े नहीं होते। आज जैनी के बच्चे अपने बाप से इतने प्यारे अंदाज से मिले हैं, हैं हैं छोटे छोटे पप्पीज, आपने तो उनको देखा ही नहीं मफू, छोटे छोटे हैं वो अभी, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद वो आपसे भी बड़े हो जाएंगे। आप इतने ही रह जाओगे लेकिन वो आपसे बड़े हो जाएंगे। मफू पानी नहीं लगाते ना सुधर से, अब डेली पानी लगाना है। मफू किसको पकड़ रहे हो? मफू भाग गई है। क्या खानी है? हाँ ढूंढने जाना है अब इसने। दादा, ओ दादा, पापा आप वॉक करने जाने, वॉक करने जाने, आओ फिर वॉक करने। मफिन मफिन बच्चे आपको डॉग कह रहे हैं। डॉग ही कह रहे हैं। ये आप किसको डॉग? ये कह रही थी डॉग। ये कह रही थी डॉग। ये डॉग लग रहा है। तुमने कैट कभी नहीं देखी? मैंने देखी है। मैंने देखी है। मैंने आपकी कैट पकड़ी भी हुई है। मैंने देखी है। अब आज देख। मैंने पकड़ी भी हुई है। मफिन आ जाओ ना बेटे घर चले। मफिन मफिन घर चले। मफिन ने और घूमना फिरना। चलो तो बंदर ले जाओ मफू को। चलो अंदर ले जाओ। मेरे कपड़े फाड़ने हैं। मैं फिर आपको लेकर तो नहीं आऊंगी अंदर। चलो आगे आगे पीछे से जोर लगा रहे कि नहीं मैंने अंदर नहीं जाना। जाओ नूरी फाड़ो सोफा। तुम्हारे अबू लेके देंगे, मम्मा लेके देंगी, बड़ी मेहरबानी। ऐसे बोलते हैं सुबह जैसे इनका हक हो है। सारा सोफा ये नुई ने खराब किया है।
ये सारा सोफा नुई ने खराब किया है। रोनी बीमार है, रोनी अल्लाह करे ठीक हो जाए। दरवाजा खोलना है। ये देखा, बलोनी क्या हुए? कहती है मेरी वीडियो बनाओ। और अभी बस रात होगी और मैं यहाँ पे अपने लिए ग्रीन टी बना कर पी रही हूँ। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। हाफिज़।